Dear children, now I explain you this page. Sweetie becomes very sad and a little afraid. She doesn't know what has happened. She starts crying. Suddenly she hears a low voice. परी जब स्वीटी को बोलती है कि देखो फूल पत्ते सब कुछ ब्राउन हो गए हैं और यह सुंदर नहीं दिखती है तो स्वीटी बहुत ही दुखी हो जाती है और घबरा जाती है। उसे पता नहीं क्या हुआ, वो रोने लगी। अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी। वॉइस सेज, व्हाई आर यू क्राइंग लिटिल गर्ल? आवाज़ बोलती है, तुम क्या के लिए रो रही हो छोटी लड़की? तभी स्वीटी बोल उठी, जो कि दिखने में तो इतनी सुंदर है लेकिन उसके चेहरे पे स्माइलिंग नहीं थी, वो उदास थी। तो बच्चों, यहाँ से स्वीटी और पैरी के बीच में कुछ बातचीत होती है। तो चलो देखते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं। स्वीटी गार्डन को देखकर स्वीटी बोलती है, मुझे ये ब्राउन गार्डन बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे मेरा रंग बिरंगा वाला गार्डन वापस चाहिए। तभी फैरी बोली, सारे फूल ब्राउन हो गए हैं ताकि तुम फिर कभी फूल ना तोड़ो। लेकिन स्वीटी बोलती है, मैं तोड़ूंगी क्योंकि मुझे वो अच्छे लगते हैं और इन्हें मैं अपने वास में गुलदस्ता में वास मतलब गुलदस्ता में सजा कर रखूंगी। तभी फैरी बोलती है, अगर तुम फूलों को नहीं तोड़ोगी तो वो बहुत लंबे समय तक जिंदा रहेंगे। दूसरे लोग भी फूलों को देखना पसंद करते हैं और बिना फूलों के गार्डन भी तो अच्छा नहीं लगता है ना? ये सुनकर स्वीटी को बुरा लगा और वो बोली, क्या तुम मेरे रंग बिरंगे फूलों को वापस ला सकते हो प्यारी परी? तभी परी यानी फैरी बोलती है, अगर तुम वायदा करोगी, प्रॉमिस मतलब वायदा करोगी कि आज के बाद तुम फूल नहीं तोड़ोगी तो। स्वीटी बोलती है, आई प्रॉमिस, जी हाँ मैं वायदा करती हूँ।